शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Come on guys, cheers for Maazi! ये तो नशे में ड्रिंक किया इसने। मासी जी को पता चले तो आफत हो जाएगी। Come guys, join me for a drink. निधि जल्दी से पेपर्स ला। ये ऊपर के जो दोनों पेपर्स है ना वो हमने साइन कर दिए हैं। सिंघानिया वाले हमने देखे। ठीक है सारे साइन कर क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है, फिर साइन कराना हम भूल जाएंगे। ठीक है तो कर दे साइन। ये ले हम जाते हैं। पढ़ तो लेती किसी ने तो... देख लिया ना किसी ने ड्रिंक किया हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या क्या सब कुछ ये सिर को क्या हो गया है? इसे ऐसे एंजॉय करते हुए कभी नहीं देखा। पार्टी कर रहा हूँ। कम ऑन गर्ल्स, कम कम कम। चीयर्स। आप लोग एंजॉय कीजिए, इन्हें जाने दीजिए। चलो सिर, चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहीं नहीं चलते, इधर ही रहते हैं, डांस करते हैं। Come on guys, हमारी डांस परफॉर्मेंस देखनी है कि नहीं देखनी? क्या करो तुम? डांस कर रहे हैं आशी। क्या करो सिर्फ? क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा हूँ। गलत क्या है इसमें? सिर्फ क्या आशी? सिर्फ सब लोग देख रहे, तमाशा मत करो। देखने दो। सिड इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? लगता है भाई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। ये देखो, ओह नो, भाई ने तो मेरी ड्रिंक पी ली है पर अपनी ड्रिंक नहीं पी। नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक अ चिल पिल। इसी बहाने मैं भाई और भाभी का डांस देख लूंगा। एक काम करता हूँ, रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। राघव द प्रैंकस्टर, ये तुमने किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, सब किया है वो सिड ब्रो ने किया है, या फिर शायद गलती से हो गया। व्हाट डू यू मीन? आई मीन ब्रो ने मेरी ड्रिंक पी ली है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी इसलिए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. मैं संभाल लूं। अरे नहीं नहीं राघव भैया, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। भैया हे राम जी, सबकी नजरें हम पे हैं और सिद्ध की हरकतें कहीं सबको पता ना चल जाए कि इसे नशे में।
देखो बहुत डांस हो गया, तुम थक गए होगे, चलो कमरे में चलो आराम करते हैं। बेबी बेबी बाबू की बेबी, यस पार्टी का रंग जमाया। क्यों गाइस सिन आज का हो गया, चलो चुपचाप से सेट, सब लोग देख रहे हैं। डांस आशी, लेट्स डांस। सिन प्लीज बस पकड़ो, तमाशा मत करो सिन, चलो ऊपर। लगता है सिड ने कुछ ज्यादा ही पी लिए। आशी सही कह रही है, अपने रूम जाओ और आराम करो। लेकिन मासी सिड अपनी मासी की बात नहीं मानेगा। मासी आपकी बात, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो इस वक्त अपने रूम जाओ। आशी इसे लेके जाओ। जी मासी जी। कहाँ जा रहे हो, दो मिनट रुको। चलो सो जाओ चुपचाप से। मैं तो आज अपने बेड पे सोऊंगा। सिट आराम से, जहां मर्जी है वहां सो जाओ। चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मुझे कहना है। क्या कहना है? मैं, तुम, मैंने, तुमने, तुम्हें सलमान बहुत पसंद है ना? है? हाँ, तो? मुझे शाहरुख। इसे देखो मैं जाने दो। तुमने कुछ कुछ होता है देखिए। इसे क्या बात कर रही हो? हाँ देखिए। एक आदमी का सर ना तीन तीन लोगों के सामने झुकता है। दुर्गा माँ, मेरी माँ, तीसरा। चाहेंगे तुम्हें इतना, मैंने पी लिया तुम्हें इतना। सब गेस्ट आ चुके हैं, मैं थक गई हूँ, मैं भी सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट राघव। गुड नाइट बाय। कम ऑन गाइस, सब चले गए, हम भी चलते हैं। कहाँ? इवेंट पे। कौन सा इवेंट? बॉलीवुड नाइट। सिड तो सो गया है ना? सिड सो गया तो क्या हो गया यार, रिलैक्स, उसका भाई तो है यहाँ पे। सिड के टिकट पे निधि चलेगी, है ना निधि? हम नहीं, नहीं बाबा, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो फिर पता नहीं वो कैसे खैर लगा देगी। कौन नीति, अमृता आंटी को कुछ नहीं पता चलेगा, वैसे भी वो सो गए हैं। लेकिन यार माँ को तो, अरे माँ लेकिन, तो लेकिन कुछ, लेट्स हैव सम फन ना। अरे अब कम कम तो, अरे बाय। एक आदमी का सर ना तीन लोगों के सामने झुकता है। दुर्गा माँ, मेरी माँ, तीसरा। La 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 la
चीफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी मदद करने आया हूँ। हम कर लेंगे, आप जाइए यहाँ से। हम कह रहे हैं ना, आप यहाँ से जाइए। हम ही चले जाते हैं। छोड़िए हमें। छोड़ने के लिए थोड़ा ना पकड़ा है। Here. आ, इतना हेडेक क्यों हो रहा है यार? बड़ी पेन, सर फट रहा है, क्या हुआ? तो आशी मुझे यहाँ बैठते के बाद क्या उसके बाद क्या हुआ? ये लो नींबू पानी पी लो। आशी रुको, आशी कल रात मैंने ड्रिंक की थी क्या? मैं तो वहाँ काउच पे सोता हूँ, तो तुम्हारे बेड पे यहाँ कैसे है? और ये शर्ट किसने उतारी? क्या हुआ था आशी? क्या बताए तुम्हें, कल रात को क्या हुआ था? सिर्फ क्या हुआ था, मैंने कुछ गलत किया क्या? आशी बताओ ना। बताएंगे तो सुन पाओगे क्या? हाँ बताओ क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? आशी आशी मेरी तरफ देखो, तुमने देखने लायक छोड़ा है कुछ? बताएंगे तो सुन पाओगी क्या? प्लीज बताओ आशी मुझे, मैंने क्या किया कल? तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, हम सह नहीं पाए। आशी पहेलियां मत बुझाओ, बताओ मैंने क्या किया कल? सिर्फ हम एक लड़की है, एक लड़की हो के हम कैसे बता सकते कि
रात को तुमने, देखो हम बस इतना कहेंगे कि तुमने जो कल किया ना वो बहुत गलत, तुम नशे में ना हमारे करीब हमारे साथ, बस हम इतना कहेंगे कि जो हुआ था ना वो नहीं होना था। सही कह रही हो आशी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आई मीन नशे में तो नहीं होना चाहिए था। जो हो होश में तो हो तो दोनों को याद रहे एटलीस्ट, है ना? हमारा पास आना, हाथों में हाथ, एक दूजे के पास, हमें याद तो रहना चाहिए ना। और वैसे अभी तुम भी होश में हो, मैं भी होश में हूँ, तो क्या कहती हो? जो कल हुआ वो आज हो जाएगा दोबारा? बेशरम गई की, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ आशी, ये मार्क और नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं नहीं आशी, कुछ तो हुआ था। ऐसा कैसे, मेरी शर्ट भी खुली है, ये तुमने खुद उतारी थी शर्ट। मैं क्यों उतारूंगा खुद से शर्ट? क्योंकि कल रात नशे में तुम पूरी तरह से टुन्न थे, बड़े शाहरुख खान बने फिर रहे थे, डायलॉग्स मारे जा रहे थे शाहरुख खान के, पूरा एसी फुल पे था, उसके बाद भी तुम्हें पसीने छूट रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी, इसलिए शर्ट खोली अपनी। अरे बाब, तो फिर ये मार्क आशी, ये लिपस्टिक के मार्क कैसे? हम तुम्हारी टांग खींच रहे थे। मुझे किस किया तुमने? जी नहीं, लिपस्टिक के मार्क से किस करे तुम्हें हमारी जुत्ती? चल जुट्टी, वैसे बड़ा बोलती हो कि बॉडी नहीं देखनी और नजरें घुमा लेती हो, शर्माती हो। किस करते वक्त, ये मार्क्स बनाते वक्त तुमने नहीं देखी मेरी बॉडी? राम 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 राम, तुम कितने बेशर्म हो तुम ना। हाँ मैं सिद्धार्थ शर्मा, होश में तो क्या नशे में भी किसी लड़की के साथ गलत नहीं करेगा, और तुम पे भरोसा भी। अच्छा चलो उठो आशी। अभी तो क्या, तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। कल कितना एंजॉय किया था ना राघव? हाँ यार, बहुत मजा किया था हम लोगों ने कल। कैसे लगी पिक्चर? पिक्चर्स यार, अमेजिंग। तेरी एंजॉयमेंट तो मैं बाहर निकालती हूँ। अरे माँ, वो तू ही था ना जिसने सेल को ड्रिंक कराई थी? बोल माँ, कान तो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया ना। वो सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने ही सिड को ड्रिंक दी थी। आंटी आंटी आंटी, प्लीज बेचारे को छोड़ दीजिए, प्लीज लीव हिम, दर्द हो रहा होगा उसे। माँ मैंने कुछ नहीं किया, कान तो छोड़ो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिड के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। मासी बस कीजिए, जाने दीजिए। लेकिन इसने इतनी बड़ी गलती की है। मासी कोई बात नहीं, छोटी गलती भी करें तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। माफ कर दीजिए, और आपके लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, बीपी हाई हो जाएगा आपका। सच में एक दिन ना ये लड़का मेरा बीपी इतना बढ़ाएगा ना कि मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। अरे मैं तो इसे मासी जी प्लीज माफ कर दीजिए, बच्चा है। ठीक है, आशी कह रही है तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ओके ओके। तुम मेरी मासी जी, अगली बार अगर राघव ने ऐसी कोई गलती की ना तो हम खुद उसे आपके पास लेके आएंगे। अरे वाह मासी जी, मैंने और कियारा ने कितना कहा, लेकिन आपने राघव को माफ नहीं किया। आशी की एक बार कहती माफ कर दी। अच्छा आशी, आपको हमसे ज्यादा प्यारी हो गई है। हम है ही इतने प्यारे, हमारे प्यार का जादू सब पे चल जाता है। सच में ये बहुत प्यारी है। और मैं? तुम भी। ये काकी और निधि नहीं दिख रहे? कैसे दिखेंगे, वो तो अर्ली मॉर्निंग ही चलेगा। चलो। अरे सिड ब्रो, सुनो, मैं तेरे को कल रात की फोटोज दिखाता हूँ, आजा बैठ। देख हम लोगों ने क्या इवेंट में फन किया था यार, मजा आ गया था। हाँ सिड, आशी और तुम्हारे रूम में जाते ही हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और इतना ज्यादा एंजॉय किया, तुम दोनों होते ना तो बहुत मजा आता।
तुम लोग दोबारा शुरू हुए, उनकी रात की बातें खत्म ही नहीं हो रही और मेरी आज सुबह ही नहीं शुरू हो रही। ये चमेली पता नहीं कहाँ गई है, मेरा डिटॉक्स वाटर भी नहीं लाई। चमेली मासी जी, हम आपका डिटॉक्स वाटर बना देते हैं और हम किचन में जा ही रहे हैं, चमेली को भी देख लेते हैं। ओके थैंक यू। ये चमेली कहाँ गई सुबह सुबह, किचन में भी नहीं है। उसके कमरे में जाके देखते हैं। क्या हुआ चमेली, काम वाम नहीं करना क्या कुछ? नीलिमा मैम साहब कब से तुझे बुला रही है, जा जल्दी से। क्या हुआ तुझे, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ तुझे, बोल। क्या हुआ तुझे, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ तुझे, बोल। क्या हुआ तुझे, बोल ना। दाई मां, बहुरानी आप? चमेली क्या हुआ तुम्हें, ये ऐसी हालत कैसी? ऐसा कुछ नहीं है बहुरानी, वो ऐसे ही रह रहे के अपने स्वर्गवासी माता पिता को याद करके रोने लगती है। लेकिन ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना, चल जा। ताई माँ सही कह रही है, देखो रोने से कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे बंद कमरे में रोती रहोगी ना तो तुम्हारा मन और भारी होगा। चलो हमारे साथ चलो, सबके साथ घुलो मिलो बैठो, तुम्हारा मन हल्का होगा। अच्छा काम करो, हम ना सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रहे, तुम भी आओ मिलके बनाते हैं। चल जा, अच्छे से नहा धो के तैयार होके आ जा, बहुरानी का हाथ बटा, तेरा मन भी लगा रहेगा, जा जल्दी से। अरे चमेली अच्छा हुआ तुम आ गई, हम बाहर सबको चाय कॉफी सर्व करके आते हैं, जब तक तुम प्लीज ये पराठे का आटा बना दूंगी। कर लोगी ना चमेली? हम जल्दी से जाके देख के आते हैं, सब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तुम आटा बना के रखना। हाँ ये डिजाइन हमें अच्छे लग रहे हैं। अरे .com खोल के बैठे हैं, फोटो अपलोड तो करो। अरे फुल नेटवर्क में है भाई, फोटो अपलोड करो। कामनी जरा आहिस्ता बात करो, डिस्टर्ब हो रहे। जोर से बोले क्या हम? ऑफ कोर्स। अरे तुम फोन रखो यार। क्या रहा? ये कला क्रिएशंस की मार्केटिंग का काम कहाँ तक पहुँचा? सर ये देखो। थैंक यू बेटा। मैंने ये होर्डिंग के डिजाइन पैनल किए। आशी तुम भी आके देखो ना, सेट को मैं होर्डिंग के डिजाइन दिखा रही थी, तुम भी अपना इनपुट दो। पहले चाय पियो। थैंक यू। क्या रहा, हमें ऐसा लगता है कि ये डिजाइन तो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए और थोड़ा माइनर, तो बहुत अच्छी लगेंगे। हम जरा किचन से आते हैं। थैंक यू आशी। एक्चुअली सही बोला है आशी ने, थोड़ा सा चेंजेस होगा ना तो अच्छे लगेंगे। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? सेठ
मुझे लगा कि राघव यहाँ कला क्रिएशंस के लॉन्चिंग तक रुकेगा, लेकिन क्या वो कह रहा है कि उसे बॉम्बे आज ही जाना होगा किसी बिजनेस के लिए, और कह रहा है कि वो यहाँ सिर्फ मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आया, आज जाना ही होगा। ऐसे कैसे जाना होगा, मैं बात करता हूँ राघव से। राघव ये क्या है यार, तू परसों रात को ही तो आया है और आज तो वापस जा रहा है, कुछ दिन तो रुक हमारे साथ। Bro, I can't. कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। अच्छा कम से कम इवेंट की लॉन्चिंग तक ही रुक जा, मेरे लिए ना सही मासी के लिए रुक जा, इनको कितना अच्छा लगेगा यार, इतना बड़ा इवेंट है, इनको कितनी खुशी होगी कि इनका बेटा इनके साथ। Bro, मुझसे ज्यादा तू उनका बेटा है और तू तो है ही उनके साथ, तो ये तो खुशी है। वैसे भी मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर मैं नहीं गया तो बहुत लॉसेस हो जाएंगे। आई हैव टू गो, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम ऐसे नहीं जा सकते राघव। ओह नो, कहीं भाभी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया, ये ऐसे क्यों रोक रही है मुझे? भाभी मैं क्या हो रहा का? ये इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? हाँ वो एक्चुअली गर्मी है ना यहाँ पे। जो भी हो, हमने कहा ना तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। पर क्यों? क्यों भूल गए? निकल। मैंने क्या 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 कल प्रॉमिस किया था ना तुमने कि तुम हमारे छोटे भाई जैसे हो, भाभी जो कहेंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो बस उसी हक से तुम्हें कह रहे, प्लीज ना थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, हम देखो तुम्हें ज्यादा रुकने के लिए नहीं बोलेंगे, बस ब्रांड लॉन्चिंग तक प्लीज। लेकिन भाभी मैं भाभी से वादा किया ना तो देवर जी निभाओ। ओके भाभी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। गुड देवर जी। मान गया आशी, रिश्ते निभाना बहुत खूब आता है तुम्हें। चलिए आप सब लोग जल्दी से नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पे आइए, हम सबके लिए गर्मा गर्म पराठे लाते हैं, ठीक है? वाह आते हैं। थैंक यू। चमेली जरा घी देना। चमेली कहाँ खोई हो? हाँ भाभी जी। घी ला दो हमें। चमेली जल्दी दो। लो। चमेली लाओ, छोड़ो ये हम बना देंगे। देखो चमेली ऐसे उदास नहीं होते, हम जानते हैं माँ बाप का प्यार, उनका साथ क्या होता है। वो जब होते हैं ना सर पे इच्छा तो होती है, छत के नीचे दुनिया, और जब वो नहीं होते तो चाहे पूरी दुनिया ही क्यों साथ ना जाए हमारी दुनिया पूरी नहीं होती। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, ना हम किसी को दे सकते हैं। पर चमेली जब वो दूर हो जाते हैं ना तो हमें ऐसे रोते नहीं रहना चाहिए, उनको तकलीफ होती है, दुख होता है, और तुम अकेली तो नहीं हो ना, दादी माँ है तुम्हारे साथ, ये पूरा परिवार तुम्हारे साथ में है, रोना बंद करो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब है ना, चलो मुस्कुराओ। अच्छा सुनो हम ये पराठे सर्व करके आते हैं, तुम जब तक ये तवे वाले पराठे का ध्यान रखना। राघव अच्छा हुआ तुम रुक गए, I'm so happy. Yes, it would be fun. राघव तुम्हारे लिए स्पेशल गोभी के पराठे, वो भी तुम्हारे भाभी के हाथों से। वाह। Mm,
दिस इज सो यमी भाभी, मैंने आज तक इतना टेस्टी गोभी का परांठा नहीं खाया, आई स्वेयर। हम तुम्हारे लिए लंच के लिए भी कुछ अच्छा बनाएंगे, ठीक है? वाह क्या बात है। चमेली चमेली, क्या करती है लड़की, कहाँ ध्यान देता है इसका, पूरा पराठा जला दिया। चमेली, ये चमेली को हुआ क्या है, इतनी क्यों खोई खोई रह रही है, ये अपने माँ बाप की याद में इतने उदास है। चल फिर बात कुछ और, हमें बात करनी होगी चमेली से। क्या हुआ है, देखो हम इतना तो समझ गए कि तुम अपने माँ बाबा की याद में उदास नहीं हो, कुछ कुछ तो हुआ है, तुम बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा, बताओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ हमें क्या हुआ है। देखो तुम हमें जब तक बताओगे नहीं ना, हम ऐसे ही पूछते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। क्या राघव, उन्होंने रात में, उन्होंने उन्होंने क्या, उन्होंने रात में हमारे साथ, उन्होंने रात में हमारे साथ जबरदस्ती की। वाह क्या पराठे थे, मजा आ गया। हाँ राघव पराठे बहुत अच्छे थे, आशी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए थे। आशी इज़ अ वेरी गुड कुक। आशी पराठे वाकई में बहुत अच्छे थे। वाह भाभी मैं तो आपका हार्ड कोर फैन हो गया, दिल पेट सब खुश हो गया। जस्ट इमेजिन, एक जिम जाने वाला, कार्ब्स को अवॉइड करने वाला, प्रोटीन शेक पीने वाला, दो घी वाले पराठे खा गया, क्या बात है, आपके तो हाथ का जवाब नहीं। सही कहा देवर जी, हमारे हाथ का जवाब नहीं। होश में तो, ये क्या किया तुमने? आशी तुमने राघव को थप्पड़ कैसे मारा? हमसे नहीं, इससे पूछिए। क्या हुआ, क्या किया इसने? राघव आशी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, ऐसे तुमने क्या किया है? तुमने फिर से मजाक किया, मैंने तुम्हें मना किया था, उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारे? तुमने जरूर कुछ किया है, बताओ क्या हुआ? मॉम मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूं कि ये अचानक भाभी को हो क्या गया है? क्या हुआ नहीं, क्या किया? तुमने जो किया है ना वो मजाक नहीं है, गुनाह है। हे मानियो थे
वो पाप है, तुमने पाप किया है। आशी, ये क्या कह रही हो? साफ साफ बोलोगी, क्या किया इसने, क्या हुआ है? इसने वो किया है जो माफी के लायक नहीं है। इसने वो किया है जिससे एक लड़की की इज्जत पे कलंक लग जाता है। इसने कल रात को चमेली की इज्जत को बेइज्जत की है। सच नहीं है आशी, ये तुम क्या क्या बोल रही हो? कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम? राघव ऐसे नहीं कर सकता। आशी, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, राघव ऐसे नहीं कर सकता। राघव, तू चुप क्यों है? तू बोल बोल, ये झूठ बोल रही है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। बात करो उससे, बोल। माँ, मैं राघव, तू बता आशी क्या कह रही है? क्या तूने सच में चमेली के साथ ये सब? मुझे नहीं पता कि भाभी को यूं अचानक क्या हो गया। सीरियसली ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। तो क्यों चमेली झूठ बोल रही है? हाँ, उसने खुद हमें सब कुछ बताया। जान देने जा रही थी अपनी। अगर एक मिनट भी आप लेट पहुंचते ना तो कर भी लिया होता। तो राम जी ने हमें सही वक्त पे पहुंचा दिया और हमने उसे रोक लिया। उससे बहुत पूछा तब जाके उसने हमें सच बताया। वो खुद को उस पाप की सजा देने जा रही थी जो तुमने किया है। सच सच बता, चमेली सच कह रही है? सच बोल, बोल। नहीं सिर्फ मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठ, फिर से झूठ। कल रात तुमने पार्टी के बाद बेटा आशी, राघव ऑल टाइम पार्टी में हम लोगों के साथ ही तो था, और पार्टी खत्म होने के बाद वो इवेंट में गए थे। क्या नाम था इवेंट का? या बॉलीवुड नाइट इवेंट। और हमें रात में आने में बहुत लेट हो गया था। अरे मैंने सबको फोटोज दिखाए तो थी। क्यारा बिल्कुल सही बोल रही है आशी बेटा, कल पार्टी खत्म होने के बाद राघव एक इवेंट में चला गया था। जब वो वहां से वापस आया तो कितना मजा आया ना यार, बस सो गुड यार। अरे अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि कुछ पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर दूं, तो बस उसी में बिजी था। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इवेंट कैसा रहा? फैंटास्टिक, बहुत एंजॉय किया हमने। कमाल है अंकल, यहाँ लखनऊ में ऐसे भी इवेंट्स होते हैं, मुझे मालूम नहीं था। अरे भाई हमारा लखनऊ है, क्यों नहीं होंगे। एंजॉयमेंट में पता ही नहीं चला कब इतनी रात हो गई। अंकल हमें तो इतनी टेंशन हो रही है, अगर माँ को गलती से भी पता चल गया ना कि इतने लेट नाइट हम घर आ रहे हैं तो हमारी तो खैर नहीं। अरे निधि बेटा तू चिंता मत कर, तुम्हारी माँ तो कब की सो चुकी है। तू चुपचाप से जा जाकर गेस्ट रूम में सो जा, तेरी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे लेकिन अंकल गेस्ट रूम में तो मेरा सामान पड़ा है ना, मैं तो वहाँ रुका था। राघव बेटा क्या फर्क पड़ता है, एक रात की बात है, तू हमारे साथ हमारे कमरे में सो जा। लेकिन अंकल मैं अनकंफर्टेबल ओवर देयर, मतलब आप। लेकिन वेकिंग कुछ नहीं। ओके जैसे आप कहो, गुड नाइट। आशी बेटा इवेंट से वापस आने के बाद राघव रात भर हमारे कमरे में था हमारे साथ। और वहीं हमारे साथ हमारे कमरे में ही सोया था बेटा। यह सब कैसे? लेकिन अगर चमेली कह रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ किसी ने तो कुछ गलत किया है ना, वो झूठ क्यों बोलेगी?
हमें इस बात की तह तक जाना होगा। इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, फिर चाहे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े या कुछ भी। राघव कह रहा है कि वो पूरी पार्टी में यहाँ था, बाद में इवेंट में और उसके बाद पापा के साथ। इसका मतलब राघव ने तो ये गुनाह नहीं किया है। तो कोई और था। बोलो चमेली। देखो चमेली, मुझे अपना भाई ही समझो। तुम मुझे बताओ कौन है वो गुनहगार जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की? चमेली, मुझे अपना भाई ही समझो। तो मुझे बताओ कौन है वो गुनहगार जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की? तुम मुझे बता सकती हो कौन था वो जिसने ये सब किया तुम्हारे साथ? बोलो चमेली, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई कि राघव ने तुम्हारे साथ ये सब? चमेली, घबराओ मत चमेली, हम सब है ना तुम्हारे साथ। पर चमेली, एक बार फिर याद करो, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? वो पक्का राघव था। अशी, ये बार बार क्या रिपीटिंग कर रही हो तुम? सब टोल्डिंग कर रहे ना तुम्हें, और ये प्रूविंग भी हो चुका है कि राघव की इसमें कोई भी गलती नहीं है। राम जाने ये सब कांड किसने किया है, और क्या पता ये कांड है भी कि नहीं। शायद ये ही लड़की झूठ बोल रही हो, इसमें झूठा इल्जाम लगा रही हो। वाजी प्लीज, कोई भी लड़की अपनी इज्जत को, मान मर्यादा को लेके ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, हो सकता है इसको कोई गलत फहमी हुई हो, लेकिन गलत तो इसके साथ हुआ है, और ये मैं पता करके रहूंगा। आशी, मेरा वादा है तुमसे, जिसने भी चमेली के साथ ये गिरी हुई हरकत की है उसको सामने तो लाके रखूंगा मैं। हाँ कमिश्नर अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
हेलो हेलो गॉड ये नेटवर्क सेट तुम चाहते हो ना कि चमेली के गुनहगार को सामने लेके आओ उसको सजा दिलाओ ऑफ कोर्स आशी तो हमारी बात मानो वो कोई और नहीं वो राघव ही है सेट हमने राघव की आंखों में देखा था वो सबके सामने कैसे नजरें चुरा रहा था मैं यकीन मानो ये सब जो भी कुछ हुआ है ना सब राघव ने किया राघव ने उसके साथ आशी यहाँ बैठो देखो आशी मैं जानता हूँ तुम बहुत इमोशनल हो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती हमेशा सच बोलती हो सच का साथ देती हो सच के लिए लड़ती हो और यही तुम्हारी खूबी है ये तुम्हारी अच्छाई और सच कहूँ तो तुम्हारी ये अच्छाई मुझे सबसे अच्छी लगती है लेकिन आशी मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत कुछ बदल गया है चीज़ें पहले जैसी नहीं है लेकिन मैं आज भी तुम पे भरोसा करता हूँ ट्रस्ट करता हूँ लेकिन आशी यहाँ तुम गलत हो सिर्फ देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि राघव मेरा भाई है इसलिए मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ लेकिन किसी भी लड़के पे ऐसे इल्ज़ाम लगाना बिना सच जाने उसका पूरा करियर उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आशी ट्रस्ट मी आशी अगर राघव ने चमेली के साथ कुछ गलत किया होता ना तो मैं खुद उसको सजा देता बाद में पुलिस के हवाले करता लेकिन तुमने सच देखा ना सब तुम्हारे सामने था ना जितने सबूत है वो राघव को सही साबित कर रहे हैं और किसी और के किए की सजा मैं अपने भाई को कैसे दे दूं देखो आशी तुम्हें लगता है ना कि राघव मेरे क्लोज है कियारा के क्लोज है इसलिए उसकी साइड ले रहा हूं उसको बचाने के लिए झूठ भी बोल दूंगा लेकिन ना निधि निधि तो उसकी क्लोज नहीं है ना निधि तो झूठ नहीं बोलेगी ना सच जाने के लिए निधि को कॉल करता हूं ठीक है सिद्ध भाई हाँ निधि एक सेकंड एक बात बता कल पार्टी के बाद तू राघव और कियारा किसी इवेंट में गए थे क्या हाँ सिद्ध भाई बॉलीवुड नाइट इवेंट था ना वहाँ पे हम गए थे एक्चुअली कल आपको पार्टी में होश नहीं था तो आशी आपको लेकर कमरे में चली गई तो जो बॉलीवुड इवेंट का पास था ना आपके नाम पे वो वाले पास पे कियारा और राघव हमको खींच के लेके चले गए बट सिद्ध भाई थैंक्स टू यू आपकी वजह से हम वहाँ पे चले गए और इतना एंजॉय किया ना वहाँ पे और वो राघव क्या बंदा है मस्त एंजॉय किया हमने और बताए और भी प्लान्स बनाए हमने उसके साथ अच्छा एक बात बता कल इवेंट में कुछ हुआ था क्या वहाँ नहीं कुछ भी नहीं हमने तो बहुत एंजॉय किया और तुम लोग इवेंट से वापस कब आए थे और घर आने के बाद क्या हुआ हम रात को करीब करीब 3 बजे घर आए और शर्मा अंकल हॉल में ही बैठे थे तो फिर हम सोने के लिए गेस्ट रूम में चले गए और राघव शर्मा अंकल के साथ चला गया और फिर सुबह ना माँ बहुत जिद करी थी तो हम घर वापस आ गए क्यों क्या हो गया पर आप ये सब पूछ रहे हो सब ठीक है ना नहीं नहीं कुछ नहीं चल तू अपना ध्यान रख मैं बाद में बात करता हूँ ओके बाय सुन लिया ना अब यकीन हुआ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये सब क्या कैसे चमेली ने तो कहा था कि उसके साथ ये हादसा लगभग 12:30 बजे हुआ था एग्जैक्टली निधि ने अभी बताया ना कि राघव 3 बजे वापस घर आया है और ये घर में ये हादसा 12:30 के करीब हुआ तो राघव 3 बजे तक तो यहाँ था ही नहीं घर में तो एक लड़का 2 जगह कैसे हो सकता है नहीं ना पॉसिबल ही नहीं है इंस्पेक्टर बात तो तुम्हारी सही है सिर लेकिन चमेली की वो आंखें वो झूठी कैसे हो सकती हैं उन आंखों में हमने जो दर्द देखा है वो नकली तो नहीं था उसका दिल रो रहा था जीजा जी चमेली के साथ इस घर में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया हम सब यहीं थे फिर भी चल माना राघव तूने नहीं किया लेकिन किसी ने तो चमेली के साथ गलत किया है सिर्फ सही कह रहा है कि एक लड़की अपनी इज्जत के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती कोई तो है जिसने चमेली के दामन पर दाग लगाया है लेकिन वो कौन हो सकता है नीलिमा यही बात हम सोच कर परेशान हैं हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब घटिया हरकत किसने की अरे राघव कहाँ गए थे इवेंट छोड़ के देखे चल पल यार कहीं नहीं गया था यही था यही थे तो मुझे दिखे क्यों नहीं आई जस्ट होप कियारा को गलती से भी याद ना आए कि मैं थोड़ी देर के लिए इवेंट से गायब था राघव कहाँ जा रहे हो तुम तेरी माँ सही बोल रही रुक जा ऐसे भागना सलूशन नहीं है प्लीज अंकल मुझे जाने दीजिए आशी भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है इतना बड़ा नहीं था
कोई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? शांत हो जा प्लीज। राघव देखो, इसमें आशी की पूरी गलती नहीं। चमेली ने तुम पर इल्जाम लगाया है। आशी एक लड़की है और एक लड़की के साथ इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आशी तो रिएक्ट करेगी ही ना। लेकिन मैं जानती हूँ तुम कभी गलत नहीं हो सकते और तुम ऐसा काम भी कभी नहीं कर सकते। यस मॉम। आप सिड ब्रो, आप सब मुझे इतना जानते हो ना, इतने बचपन से जानते हो ना आप। मैं लेडीज की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ जानते हो ना आप। लेकिन आशी भाभी वो तो नहीं जानती मुझे, इसलिए उन्होंने मुझ पर शक किया। एक बार किसी के दिल में शक बैठ जाए ना तो कभी नहीं जाएगा। अगर तू यहाँ से चला गया तो वो शक यकीन में बदल जाएगा, साबित हो जाएगा कि तू ही गुनहगार है। जो कायर होते हैं, गुनहगार होते हैं, वो ऐसे भागते हैं। बोल, ऐसे भागेगा तू? खुद को गुनहगार साबित करेगा? प्लीज ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे, मैं गुनहगार नहीं हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। आई नो राघव, तूने कुछ नहीं किया और अब तो आशी भी ये बात मानती। प्लीज भाभी प्लीज, मैं गुनहगार नहीं हूं, बिलीव मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया भाभी। उठ, हम जानते हैं तूने कुछ गलत नहीं किया, तू टेंशन मत ले, हम है ना। हे राम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? एक तरफ सारे सबूत राघव को निर्दोष साबित कर रहे हैं और दूसरी तरफ चमेली की बातों पे भी हमें पूरा विश्वास है। क्या सच है क्या झूठ, कैसे पता करें? जीजा जी, चमेली के साथ ये घटिया हरकत किसने किया होगा? ये नीलिमा, पार्टी में इतने सारे लोग थे, कोई भी हो सकता है, कोई वेटर या फिर कोई नौकर। हो सकता है किसी ने अंधेरे का फायदा उठा के चमेली के साथ ये सब किया हो। चमेली कंफ्यूज्ड हो गई हो और उसे लगा हो कि राघव है, तो इसलिए उसने राघव का नाम भूल दिया। सर ऐसे भी तो सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, हैं सिड? बेचारी चमेली, उसके साथ जो हुआ मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इसी फार्म हाउस में पैदा हुई है, बचपन से यही बड़ी हुई है और उसी के साथ इसी घर में इतना गलत। ये बात हम भी मानते हैं कि चमेली के साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है। जिसने भी ये गलत किया है ना, उसको उसके किए की सजा तो मैं दे के रहूंगा, फिर उसके लिए मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़े या कुछ भी, चमेली को इंसाफ तो मैं दिलाऊंगा। कुछ नहीं हुआ नीलिमा जी, आप नहीं जानती ऐसी बेचारी टाइप लड़कियों को, हम जानते हैं। रीचिंग लड़का देखा नहीं कि फंसाने के लिए किसी भी बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगी ये लोग। देखो, उसने राघव को सीन किया होगा, फिर थॉट आउट किया होगा कि इस लड़के से पैसे ऐड सकते हैं, बड़ा घर है, सब कुछ है, इतना रीचिंग है, पुलिस आएगी तो बोल दूंगी पुलिस से भी ये सब। आप नहीं जानती पर इन सब चक्करों में क्या हुआ, हमारा राघव तो गहरा पार के पीछे। हमने तो पहले ही टेलिंग आउट कर दिया था कि ऐसी लड़की अपना रंग दिखाए बगैर रह ही नहीं सकती, एक नंबर की झूठी है। चमेली झूठ नहीं बोल रही है। अच्छा, तुमको सब पता है, तुम कुछ नहीं जानती, हम जानते हैं ऐसी लड़कियों को, समझी ना। हे राम जी, अब आप ही कुछ कीजिए, सच को इंसाफ दिलाइए, चमेली के गुनहगार को सामने लाइए, उसे सजा दिलवाइए। चमेली ने कहा था इसी स्टोरूम में उसके साथ वो हादसा हुआ था।
बाबा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है। सारे सबूत, सारे गवाह सब राघव के साथ है। सबका विश्वास है कि राघव सही है, लेकिन लेकिन चंपा की वो आंखें, उन आंखों का वो दर्द। चंपा की आंखें हमें चीख चीख कर कह रही है कि वो झूठी नहीं है, और हमारा दिल भी कहते है कि सच बोल रही है। हम क्या करें बाबा, समझ में नहीं आ रहे। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में किस पे विश्वास करें, किसका साथ दें, कैसे इस परिवार के खिलाफ जाए। सब लोग इतने अच्छे हैं, किसे झूठा साबित करें, कैसे करें क्या करें। चमेली, तुम्हें कुछ याद है, उसका चेहरा देखा था तुमने? तुमने उसका फेस ठीक से देखा था ना? वहां क्या हुआ था, जो भी हुआ था सच सच बताओ। प्लीज टेल मी, क्या हुआ था? नीलिमा, कला की मौत के बाद हमें ये पूरा यकीन हो गया है कि ये फार्म हाउस कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। जब से हम यहाँ आए कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ गलत हो रहा है। ये सब क्या है? चीजा जी, अब तो मुझे भी आपकी बात सही लगने लगी। देखिए ना, बैठे बिठाए यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है। संभालिए अपने आप को मासी। अब चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे कि किसने चमेली के साथ ये सब गलत किया है। What? राघव, क्या हुआ? मॉम, मुझे एमबीए में 89% मिला है। Congrats. Proud of you. Thank you bro. Thank you. राघव बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा खुद का अपना बिजनेस है और बिजनेस के साथ साथ तुमने एमबीए करके इतना अच्छा स्कोर किया, कमाल कर दिया भाई तुमने। आशी, आशी, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा राघव बहुत अच्छा लड़का है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। भाभी, आपकी आंखों में देखकर लगता है कि मैं अभी इन आंखों में गलत हूँ। आई स्वेयर भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम यहाँ राघव को अरेस्ट करने आए हैं। हमें यहाँ आशीष शर्मा ने बुलाया है। मिस्टर राघव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है उन्होंने। चमेली, वो मोलेस्ट करने का चार्ज लगाया है उस पर। जी, हम हैं आशीष शर्मा, हम ही ने कंप्लेंट की थी। हमने सुबह सब कुछ क्लियर किया था ना सिड, तुमने भी कहा था ना कि आशी मान गई है कि राघव ने कुछ नहीं किया। ये सब एफआईआर पुलिस क्यों आशी, क्यों? इंस्पेक्टर, देयर इज अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग। राघव इज इनोसेंट, उसने कुछ भी नहीं किया है। सिड, तुम ही देखो ना, राघव ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी गलती नहीं है। इंस्पेक्टर, हम प्रूव कर सकते हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस टाइम राघव घर पे था ही नहीं। चुप, पुलिस को अपना काम करने दो, बीच में मत पड़ो। क्या साबित करना है क्या नहीं, ये हम अपनी छानबीन में देख लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। दुखड़ी है आप। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, मेरा बेटा कुछ कर ही नहीं सकता। आपको गलत फहमी है। नहीं, नहीं। और हाँ, वो लड़की चमेली, उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, बुलाइए उसे। हम रिचांद,
चमेली, तुम्हें मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा। नहीं भाभी जी, हाँ हम नहीं जाएंगे। तुम घबराओ मत, हम है ना, हम तुम्हारे साथ चल रहे। चलो मुझे तो लगा था तुम बहुत समझदार हो, सोच समझ के कदम उठाओगी, लेकिन नहीं आशी, मैं गलत था। तुमने ऐसे बिना पूछे पुलिस को कैसे बुला लिया? किससे पूछा? ये सब तुम कह रहे हो? चमेली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत दांव पे लग गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ तो तुम बड़ा कह रहे थे कि चमेली के गुनहगार को सजा दिलाओगे, और अब जब हमने पुलिस बुला ली तो हमसे पूछ रहे हो कि हमने पुलिस को क्यों बुलाया? कैसे दिलाओगे चमेली को इंसाफ? हाँ, इंसाफ के लिए किसी को भी सूली पे चढ़ा दोगी क्या? ठीक है, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, राघव पे यकीन नहीं है, ठीक है, लेकिन निधि और कियारा ने बोला ना कि वो पूरी रात उनके साथ था, फिर क्यों एफआईआर कराई तुमने? सिड, कई बार ना सच आंखों के सामने होकर भी नहीं दिखता है, वहां पर किसी की आंखों में जरूर दिख जाता है। माना कि राघव सही है, सब सही है, पर चमेली, चमेली की आंखें झूठ नहीं बोल रही है। अरे जिस लड़की की इज्जत लुट गई है वो क्यों झूठ बोलेगी? और राघव के खिलाफ झूठ बोल के उसको क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मुझे उन बातों में नहीं पड़ना। मुझे बस इतना पता है राघव बेकसूर है। तो ठीक है ना, पुलिस को उसका काम करने दो, जो कसूरवार होगा उसको सजा मिल जाएगी, और जो बेकसूर होगा तो फ्री हो जाएगा। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता है आशी, तुम्हारा एक गलत कदम राघव की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसके करियर को खत्म कर देगा। सिड बेटा, ये समय इन सब बातों का नहीं है, अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, चलो। What is this? अरे लोग तो कदम उठाते हैं, तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया। हाँ, इतनी ऊंची छलांग मारना सीख गई तुम? तुम्हें कोई आइडिया है कि इस फैमिली के बारे में सब कितनी टॉकिंग करेंगे, कितना टॉलरेट करेंगे हमको सब? डॉट्स इन लॉ तो ऐसी होती है कि पूरी फैमिली की इज्जत को बचा के चलती है, और तुमने पूरी उछाल दी। ऐसी होती है घर की बहू।